बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद जुनेद और आपको एडिटिंग जे में खुश आमदीद कहता हूं। जैसा कि आपने पहले लेक्चर में सुना पिकआर्ट के ओवरव्यू के बारे में, पिकआर्ट क्या है, उसमें कौन कौन से टूल हैं और कैसे इनको यूज़ करना है। हम आज दूसरा लेक्चर शुरू करने वाले हैं और सबसे पहले आपने पिकआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें। अगर आप लोगों के पास ये वाला पिकआर्ट एप्लीकेशन मौजूद नहीं है तो आप हमसे रابطہ कर सकते हैं और मैं आपको पर्सनली ये पिकआर्ट सेंड कर दूंगा या फिर एक वेबसाइट बता दूंगा जहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। आपने यहां पर जो है आपको बने बनाए सैंपल मिल जाते हैं। वो क्या है, ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपकी इमेज अगर इस तरह है तो इस तरह आप खुद बना सकते हैं। ये आपको तरीकाकार बताते हैं कि आपने अब क्या करना है, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है और इनके तरीकों को फॉलो करके भी आप इस तरह की फ़ोटो बना सकते हैं। नहीं तो आपने प्लस के बटन पर क्लिक करना है और कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। जिस तरह हमने पिछले सेशन में ये एक फ़ोटो का अवतार बनाया था और इसको डाउनलोड की थी, अब वही हम इसको उठा लेते हैं और सबसे पहला जो हमारा टूल है उसको हम आज पढ़ते हैं। आपने सबसे पहले इस टूल्स को ओपन कर लेना है। जैसे हम इस टूल को ओपन करते हैं तो इसमें डिफरेंट मज़ीद टूल्स आ जाते हैं। अब फर्स्ट जो है वो क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल के अंदर आप फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं। इस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया, अगर फ़ोटो राइट है तो उसको लेफ़्ट कर सकते हैं, अगर ऊपर है तो नीचे भी कर सकते हैं। तो इस तरह मज़ीद आप इसमें कर सकते हैं, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं फ़ोटो को और पर्सपेक्टिव भी कर सकते हैं। ये देखें जी, ये नीचे जो है ये जो बार टाइप दिखाई दे रहा है, ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, आप इन लाइनों को आगे पीछे करके फ़ोटो का जो है एंगल चेंज कर सकते हैं। अगर आप राइट एंगल है तो लेफ़्ट एंगल में इसको कर सकते हैं, अगर लेफ़्ट एंगल पे है तो इसको राइट एंगल पर आप कर सकते हैं। नीचे जो है ये पोस्टों के मज़ीद साइज़ भी बने हुए हैं कि आपको किस टाइप की पोस्ट या किस टाइप की फ़ोटो बनानी है। नीचे मज़ीद ये स्क्वायर दिया हुआ है, इंस्टाग्राम के लिए पोस्टें तैयार दी गई हैं, फेसबुक के लिए दी गई हैं, यूट्यूब के लिए दी गई हैं, ट्विटर के लिए दी गई हैं। ये पहले मैंने यूट्यूब पर क्लिक किया, उसके बाद ये ट्विटर है, उसके बाद जो है फेसबुक है, फेसबुक का जो कवर पेज है उसका साइज़ है। और आप जो है किसी किस्म की स्टैनी जो स्टैंड होता है उसके हिसाब से भी बना सकते हैं फ़ोटो, या फिर थंबनेल के लिए भी आप इसमें जो है ना साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें जी, मज़ीद आपको बने बनाए जो है यहाँ पर साइज़ मिल रहे हैं। पहले आपने इन सब के साथ खेलना है, इन टूल्सों के साथ, उसके बाद किसी परफेक्ट फ़ोटो बनानी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा समझोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। आप डायरेक्ट जो है एक क्लास लेकर या दो क्लासेस लेकर नहीं पूरा सीख सकते। ये पिकआर्ट एप्लीकेशन जो है ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है और ये तकरीबन जो है बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ये फ़ोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर से तो कम है, पर इतना कम भी नहीं कि इसको कोई नीचा दिखा सके या फिर कोई यूँ नहीं कह सकता कि पिकआर्ट एप्लीकेशन बहुत छोटी है, इस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको रोटेट के बटन भी दिए गए हैं और आपने इसको लेफ़्ट है तो राइट कर सकते हैं, अगर राइट है तो इसको लेफ़्ट भी कर सकते हैं, ये अगर ऊपर है तो इसको नीचे भी कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल है तो इसको फिर दोबारा से सही शेप में लेकर आ सकते हैं। तो चलते हैं जी, आज हमने जो है अपना क्रॉप टूल का जो सेशन है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अब जो है मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में।